हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड को आगे बढ़ाते हैं, और हमने पिछले क्लास में देखा क्या था, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन से क्या मतलब है हमने देख लिया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उसमें हमने अभी बस बताया था कि मान लीजिए कोई फंक्शन, कोई जेड है और एक्स वाई का फंक्शन है, तो जेड का हम एक्स के रिस्पेक्ट में जब करते हैं तो डेल जेड डेल एक्स ऐसे लिखते हैं, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डेल जेड डेल वाई करते हैं ऐसे लिखते हैं। और ये करने में हमेशा ध्यान रखते हैं कि अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक्स के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो हमारा y कांस्टेंट होना चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं, अगर y के रिस्पेक्ट में यानी y के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो हमारा x कांस्टेंट होना चाहिए। इसके बाद आता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट्स जो होते हैं उनके बारे में हम आपको बता दें, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट, पार्शियल बोलेंगे, ठीक है, हायर ऑर्डर यानी उच्च क्रम के आंशिक अवकल गुणांक। पहले इनको देख लेते हैं, फिर हम लोग सवालों पर आएंगे, ठीक है। उच्च क्रम के आंशिक अवकल गुणांक, इनमें क्या है, इनमें ये है कि जैसे कि हमने अभी क्या किया, जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। अगर इस जो भी फंक्शन, जैसे यहाँ पे जब जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर देंगे तो कोई वैल्यू आएगा। अब इस वैल्यू का अगर आप इसका जो है करना चाहते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर से अवकल गुणांक लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, अगर लिखना चाहते हैं y के सापेक्ष इसका आंशिक अवकल गुणांक, तो आप ऐसे लिखेंगे कि डेल जेड डेल एक्स, और इसका हम कर रहे हैं किसके सापेक्ष, डेल डेल y y के सापेक्ष, और इसको कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं डेल टू डेल जेड, ऐसे पढ़ते हैं डेल टू डेल जेड और डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। आप चाहे तो इसको दोबारा से इसी का फिर से एक्स के सापेक्ष कर सकते हैं, मतलब डेल जेड डेल एक्स, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, मतलब कि ऐसे डेल जेड डेल एक्स, ठीक है, फिर इसका करना चाहते हैं हम एक्स के ही रिस्पेक्ट में, तो डेल डेल एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डेल टू डेल डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये x और y कैसे आते हैं, ऑर्डर पर है, ठीक है ना। अगर पहले x के रिस्पेक्ट में किया गया तो हमारा नोटेशन ये रहेगा, कई कई किताबों में अलग अलग नोटेशन फॉलो किया जा सकता है, तो आप किताबों के देख के उसी के आधार पे आप नोटेशन को फॉलो कीजिएगा। कई किताबों में जो यहाँ पे लिखा होगा ये दूसरी बार का डिफरेंशिएशन होगा, ये पहली बार का होगा, ठीक है, तो वहां पे वो लिखा होगा, वो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, ये पहली बार जो जेड का डिफरेंशिएशन किया गया है एक्स के रिस्पेक्ट में, उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में किया गया, ठीक है, तो ये ऑर्डर हम ध्यान रखेंगे, ठीक। तो आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे, और अगर इतनी बातें आप समझ गए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सवाल पर, ठीक है, किस पे बढ़ेंगे हम लोग, आगे सवाल पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो सवाल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके लिए ये है, अभी इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल है, u इज इक्वल टू इतना, तो कह रहा दिखाओ डेल टी यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी कहने का क्या मतलब है कि u का x के रिस्पेक्ट में करिए और फिर जो आ रहा है वैल्यू उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप कर रहे हैं जो भी आपका आ रहा है वो बराबर है क्या, दिखाइए दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए कि जो
अब यू को आप क्या कर रहे हैं, पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट, फिर जो है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारा ये फंक्शन है, सॉल्यूशन अपना हम शुरू करते हैं। फंक्शन है यू इज इक्वल टू, यू इज इक्वल टू u इज इक्वल टू जो फंक्शन है उसको हम लोग लिखते हैं log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा इजी सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, log की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, log m बाई एन है, तो log m बाई एन क्या हो जाता है, log m माइनस log n, एन में क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, सॉरी। अब यहां पे एम इंटू एन है, ठीक है, तो एम इंटू एन को हम क्या कर लेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एम इंटू एन क्या होता है, एम प्लस एन होता है, लेकिन क्योंकि क्योंकि आगे माइनस है तो प्लस को भी ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो ये पूरा यू हो गया, ऐसे हो गया। थोड़ा अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो हम पहले किसके बारे में करें, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करते हैं, हम निकालते हैं डेल यू डेल एक्स निकालेंगे, तो ये लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स होता है, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, फिर से इसका करेंगे तो एक्स का टू एक्स हो जाएगा और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स, इसका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वाई है, वाई हमारे लिए कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका टू एक्स, टू एक्स क्या लिख ही लेते हैं, ठीक है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेल यू डेल एक्स। अब इसका फिर से करना है किसके, y के रिस्पेक्ट में, तो करते हैं, तो डेल टू यू अपॉन क्या लिखेंगे, डेल y डेल x, यानी इस फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऊपर का तो कॉन्स्टेंट हम लेंगे, है ना, तो एक तरह से क्या हो गया ये, अगर ध्यान से आप सोचेंगे तो ये ऐसे हो गया कि कोई कांस्टेंट है और नीचे क्या है, यहाँ पर भी कुछ है हालांकि है, लेकिन एक्स जो है कांस्टेंट है, ऐसे समझने का मतलब। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में माइनस वन हो जाएगा, जब पावर में माइनस वन हो जाएगा तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉन्स्टेंट इंटू माइनस वन और ए प्लस एक्स के पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू, यानी कहने का मतलब एक तरह से माइनस सी बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जा रहा है ना। तो कुछ यही कॉन्सेप्ट हम यूज करके जो है यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे, कि ये तो कॉन्स्टेंट टू एक्स हो ही गया, ठीक है, कॉन्स्टेंट जो है टू एक्स तो रह ही गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर माइनस टू, सॉरी माइनस टू तो कहाँ, माइनस टू क्योंकि नीचे ला दे रहे हैं तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बस टू हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस साइन लगेगा, इसका तो हमको ख्याल रखना ही है। साथ में ये केवल वाई नहीं है, ठीक है, वाई स्क्वायर है, यानी एक तरह से कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन का फिर से हम करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो जीरो और जो है आपका y स्क्वायर का करेंगे तो 2y, क्योंकि हम कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x टर्म का कोई मतलब है नहीं। तो फाइनली हुआ क्या, फाइनली आया यहाँ पे माइनस में 2 × 4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ आया। अब इसके बाद जो है हमारा यहाँ तक तो हो गया काम, ठीक है, यहाँ तक तो काम हो गया।
आपको दिख भी रहा होगा, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है निकाल लिया, अब हमको क्या करना है राइट हैंड साइड भी निकालना। ठीक है, तो हम देखते हैं, लिखते हैं पुनः पुनः u इज इक्वल टू क्या था, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, ये था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से वही होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये जीरो, ये प्लस। ठीक है, पूरा ऊपर तक भेजता हूँ पहले तो, और उसके बाद x वाला तो जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई। फिर यहाँ पे क्या बचा, 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन अपॉन वाई। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो फिर से करते हैं तो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि माइनस में 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे एक बार तो ये x के रिस्पेक्ट में क्योंकि कर रहे हैं तो 2x, और इसका जो हो जाएगा जीरो, और फिर इसका तो जीरो होना ही है क्योंकि ये x है नहीं y है, तो फिर यहाँ से क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस फोर में माइनस फोर एक्स वाई हो गया, गुणा कर लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रूव हो गया। अगर हम इसको समीकरण दो बना लें और ऊपर वाले को समीकरण एक बना लें, इस वाले को समीकरण एक बना लें, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं समीकरण एक तथा समीकरण दो से फ्रॉम वन एंड टू यानी एक तथा दो से डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, ये प्रूव हो गया, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ऐसे आप सवालों को लगाएंगे। दूसरे सवाल पे हम लोग आते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल पे यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है u इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स वाई हो तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू और डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू निकालिए। ठीक है, तो सोल्यूशन हम लोग करते हैं, तो u इज इक्वल टू है e टू द पावर एक्स वाई, तो सबसे पहले डेल टू डेल एक्स सॉरी डेल डेल यू डेल एक्स निकालते हैं, तो डेल यू डेल एक्स निकालेंगे तो e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स ही होगा, लेकिन एक्स वाई का एक बार अवकलन होगा तो क्या होगा, एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई कॉन्स्टेंट एक्स का वन, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी बार करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, फिर क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक्स के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को तो कॉन्स्टेंट ही लेंगे हम, तो वाई कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, और ई टू द पावर एक्स वाई का ई टू द पावर एक्स वाई हुआ, लेकिन फिर इसका हमको एक बार करना होगा क्योंकि ये कंपोजिट टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जैसे इसको करेंगे हम, तो एक्स वाई का क्या हो गया, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में क्योंकि कर रहा है तो वाई जो है कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा वन, यानी इंटू वाई आएगा एक, तो इसको हम क्या कर देंगे वाई स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल गया जो हमसे पहला वाला पूछ रहा था, वो पहला वाला हमने निकाल दिया आंसर। दूसरे वाले आंसर को निकालते हैं, यहीं पे बगल में निकाल देते हैं, तो u इज इक्वल टू फिर से वही है e टू द पावर एक्स वाई, क्या करना है y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू द पावर एक्स वाई होगा, और फिर इसका करेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे x कांस्टेंट होगा तो x आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू करेंगे तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर आया यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा e टू द पावर एक्स वाई। ठीक है, तो ये पूरा। अब इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, यदि u बराबर इतना दिया हुआ है तो सिद्ध करके दिखाना हमको,
रहा है, यदि u बराबर इतना दिया हुआ है तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y इज इक्वल टू 2u। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव होगा? हमको क्या करना होगा, एक्चुअली में डेल u डेल x निकालना होगा, उसमें x का मल्टीप्लाई करना होगा, डेल u डेल y निकालना होगा, उसमें y का मल्टीप्लाई करना होगा और दोनों को जोड़ देना होगा। ठीक है, और जोड़ देने के बाद हम देखेंगे कि वही 2u फिर से मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा फंक्शन है यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन नहीं इसको बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, हमको क्या पता है फंक्शन ही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा u इज इक्वल टू, तो इसको हम क्या करना है, u का किसके रिस्पेक्ट में करना, x के रिस्पेक्ट में पहले कर लेते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, टू ए एक्स क्या आएगा, टू ए एक्स प्लस क्योंकि तो x के रिस्पेक्ट में करें तो टू एच वाई होगा, क्योंकि x का क्या हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा और ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि उसमें है y। ठीक है, तो y कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हम क्या कर लेते हैं, x की x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x डेल u डेल x निकाल लिया, तो x का किया हमने तो टू ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस टू एच एक्स वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन एक हम मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन एक हमारा, क्योंकि हमको आगे जोड़ना होगा। अब इसके बाद फिर से हम आते हैं, अगला काम करते हैं, फिर से अगेन पुनः u का मान कितना है, आई होप यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले डेल u डेल y निकालेंगे, डेल u डेल y कैसे निकालेंगे, तो ये तो जीरो हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा टू एच एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा टू बी वाई। ठीक है, अब इसके बाद इसमें y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y डेल u डेल y इज इक्वल टू हो जाएगा टू एच एक्स वाई और प्लस टू बी वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या बना लेते हैं, इसको हम इक्वेशन टू बना लेते हैं। अब दोनों को जोड़ देते हैं, इक्वेशन वन एंड टू, तो इसको अगर बोले हम तो कैसे बोलेंगे, समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ लिया, अब राइट हैंड साइड भी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 2a x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस प्लस देखिए यहाँ पे 2hxy और 2hxy कितना हो जाएगा 4hxy और यहाँ पे हो जाएगा 2by स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड जब जोड़े तो सिंपल है, 2x 2ax स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे 2hxy है 2hxy है। ठीक है, और यहाँ पे 2hxy 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 4hxy हो गया और प्लस 2by स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से आप दो कॉमन कर लीजिए, आपका वैल्यू आ गया, दो जैसे ही कॉमन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई और बी वाई स्क्वायर। आप यहां देख रहे हैं यही तो यू था हमारा, यही यू था, तो यहां पे हो गया टू यू, क्या हो गया यहां पे टू यू। ठीक, एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है यदि f है, यदि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, तो सिद्ध करिए डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल डेल एक्स। तो ये आप लोग खुद ही करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है करने में, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए।
ठीक है, आपको क्या करना है, पहले y के रिस्पेक्ट में कर लीजिएगा, ठीक है, इस f का, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे थ्री वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे थ्री ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ तो y था ही, तो ये जीरो हो जाएगा एक्चुअली में, ये भी जीरो, और बस यहाँ पे थ्री ए बच जाएगा। और सिमिलरली जब ये भी करेंगे तो वहाँ भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ बच ही नहीं रहा, कुछ बच ही नहीं रहा, सादा सीधे सीधे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड, तो दिखाइए कि डेल थ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, डेल थ्री यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, यानी कहने का मतलब तीन बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पहले जेड के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर प्रूव जो भी आ रहा है उसको ऐसे प्रूव करके दिखा रहा है हमको, ठीक है। तो कोई नहीं, हम लोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं सोल्यूशन यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं यू इज इक्वल टू है ई टू द पावर एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो हमको सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, जेड के, तो करते हैं डेल यू डेल जेड, ठीक है। आप कैसे भी लिखते हो, आप ऐसे ही लिख रहे हैं, चलिए डेल यू डेल जेड हो गया। इसके बाद क्या हो गया, जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स वाई जेड का ई टू द पावर एक्स वाई जेड ही होगा, लेकिन ध्यान दीजिए किसको हम कह रहे हैं जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो एक्स और वाई को हमको क्या मानना होगा, एक्स और वाई को हमको कांस्टेंट मानना होगा। तो जैसे आप करते हैं ई टू द पावर, जैसे मान लीजिए ए एक्स है, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई टू द पावर ए एक्स तो करते हैं, लेकिन बाद में फिर इसका भी करते हैं और बोलते हैं कि ए को है कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, एक्स का क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ए ई टू द पावर ए एक्स होगा ई टू द पावर ए एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए यही चीज तो काम कर रहा है, यहाँ पे ये एक्स वाई कॉन्स्टेंट का ही काम कर रहे हैं, तो एक्स वाई फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एक्स वाई क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आई होप, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि वाई के रिस्पेक्ट में करिए, अब थोड़ा सा दिक्कत होगा, अब कह रहा है वाई के रिस्पेक्ट में करिए, तो डेल यू डेल टू यू हो गया आप यहाँ पे, और डेल वाई और डेल जेड हो गया, ठीक है। अब वाई के रिस्पेक्ट में कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये एक फंक्शन, क्योंकि देखिए यहाँ भी वाई हो गया और इस ई के पावर में भी वाई हो गया, ठीक है। तो वाई दो जगह है, ठीक है, तो दो फंक्शन का यहाँ पे कह सकते हैं आप मल्टीप्लीकेशन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो कैसे लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स वाई को हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स वाई हो गया फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। इनटू फिर से क्या करना होगा, फिर से जो इस ई के पावर है उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में क्योंकि हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, एक्स जेड आएगा या जेड एक्स आएगा, ठीक है। और फिर प्लस सेकेंड फंक्शन यानी ई टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई में एक्स कॉन्स्टेंट लेंगे, वाई का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, और प्लस एक्स, आप कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स 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 स्क्वायर वाई जेड एक्स प्लस एक्स कॉमन ले लीजिए, और ई टू द पावर मतलब एक्स वाई जेड अलग कर दीजिए, ठीक है, जैसे कॉमन लेने के, जैसे कॉमन लेते हैं वैसे एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स और इन टू समथिंग दिस, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमको फिर किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, अब इस फंक्शन का, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए क्योंकि ये पूरा एक्स का फंक्शन है, और इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए इस, क्योंकि ये भी एक्स का फंक्शन है, तो फिर हमको क्या करना है, डी थ्री डेल थ्री यू अपॉन डी डेल थ्री यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हम ऐसे लिख ले रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स वाई जेड ये होगा ही, और फिर क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई जेड यहाँ पे आएगा, ठीक है, और फिर प्लस सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स वाई जेड और पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखिए टू एक्स वाई जेड होगा, क्योंकि वाई जेड तो कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी वन हो जाएगा, माफ करेंगे जीरो तो होगा नहीं क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक। अब सब में देख रहे हैं ई टू द पावर एक्स वाई कॉमन है,
तो ई टू द पावर एक्स वाई क्या कर लेंगे, दोनों टर्म में कॉमन है, तो दोनों टर्म में कॉमन है तो हम उसको क्या कर लेंगे, कॉमन कॉमन को क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको पूरा ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो कैसे हो गया, तो ये पूरा ब्रैकेट और ई टू द पावर एक्स वाई जेड कॉमन कर लिया। तो जैसे ही कॉमन किया, यहाँ पे क्या बचा ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है ना, और यहाँ पे फिर क्या मिला, एक्स वाई जेड। ठीक, और इसमें से जो बच रहा है वो प्लस टू एक्स वाई जेड और प्लस वन, लेकिन हमको दिखाना ऐसे है कुछ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्ट अगला स्टेप, डेल डेल थ्री यू डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। यहाँ पे हमको ऐसे दिखाना है कि ए एक को पहले लिखना है, तो एक को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और टू वन क्या हो जाएगा, थ्री एक्स वाई जेड हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा और ई टू पावर एक्स वाई। आई होप यही हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, थ्री एक्स वाई ये था ना, थ्री एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वन प्लस में भी था, और यहाँ पे कॉमन में ई टू द पावर एक्स वाई जेड। तो ये हमारा प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।